राज्यपाल जी की कि वो मुफ्त में राशन, दाल, पानी, चावल से लेकर बिजली से लेकर अब घर देने तक का काम रोहिंग्या मुसलमान के लिए करने की बात कर रहे हैं। शायद शराब के जो आरोप उनके ऊपर लगे और पहले उनके स्वास्थ्य मंत्री जो घोटाले करते हुए जेल में है, स्वास्थ्य मंत्री की तो याददाश्त चले गई, एक्साइज मंत्री एक्सक्यूज करने से बार बार नहीं हटते हैं, मुख्यमंत्री के पास कोई विभाग नहीं है, लेकिन रोहिंग्या के लिए जो घुसपैठिए हैं उनके लिए सारी सुविधाएं देने का काम करते हैं। आखिरकार किसके कहने पर दिल्ली सरकार ने कहां पे कभी ये चर्चा की, क्योंकि क्यों ये ईडब्ल्यूएस फ्लैट देने की बात अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार ने कही और उनके नीचे के अधिकारियों ने बात कही है। इस बात का जवाब अरविंद केजरीवाल जी को देना होगा। जब उनके स्वास्थ्य मंत्री के घोटाले पर बात की जाती है, जब उनके स्वास्थ्य मंत्री के घोटाले पर बात की जाती है तब भी वो जवाब नहीं देते, कहते उनकी याददाश्त चले गई। उनके शराब नीति पर चर्चा की जाती है, अरविंद केजरीवाल जी जवाब नहीं देते हैं, मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से वो बाज नहीं आते और अब रोहिंग्या घुसपैठियों को भी मुफ्त में फ्लैट देने चले थे। ये अपने आप में दिखाता है कि ये झूठे भी हैं और अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्र सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने के लिए भी अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार पीछे नहीं हटती। हमारे लिए राष्ट्र सुरक्षा प्राथमिकता है और इसको लेकर हमने पहले भी कहा है, घुसपैठियों की पनाह और उनको जगह यहां पर नहीं होगी, उनको उनके देश में वापस भेजा जाएगा। विदेश मंत्रालय उसके लिए बातचीत कर रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी डिटेंशन सेंटर क्यों नहीं, स्थान क्यों नहीं तय कर पाते, जगह क्यों नहीं तय कर पाते, ये उनसे मेरा आज भी सवाल है और उनसे पहले भी जितने सवाल पूछे गए आज तक कभी उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या जागेंगे और जवाब देंगे? मुख्यमंत्री तो नहीं, लेकिन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि देखिए मुख्यमंत्री की तो जानकारी में नहीं था, एलजी के माध्यम से जो है इस तरीके से डिसीजन ले लिया जाता है और यह मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को पता भी नहीं। दिल्ली सरकार के मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, इनको घोटालों से बाहर आने की आदत पड़ेगी तब कुछ कर पाएंगे। शराब नीति को लेकर आज तक जवाब नहीं दे पाए, शराफत तो छोड़ ही दी, झूठे आरोप लगाकर भागने का काम करते हैं, कीचड़ उछालकर भागने का काम करते हैं। सत्य तो कागज बोलते हैं, क्या इस मीटिंग को आज भी ये फिर कहेंगे? मैं फिर बार बार ये कागज दिखा रहा हूं, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री इस पर जवाब देंगे? अरविंद केजरीवाल जी, जवाब तो आपको देना होगा, चाहे वो सत्येंद्र जैन जी का घोटाला हो या आपका शराब का घोटाला हो। आप ये कहकर नहीं बच सकते कि अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई विभाग नहीं लेकिन मुख्यमंत्री है, ये भी अपने आप में देश में एक ऐसा उदाहरण है। विभाग कोई नहीं लेकिन मुख्यमंत्री है, जिम्मेदारी कोई नहीं लेकिन 8 साल से मुख्यमंत्री है। कहते थे मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, बच्चों की कसम खाता हूं, लेकिन राजनीति में आए, मुख्यमंत्री है लेकिन जवाब देने के लिए राजी नहीं है। तो जवाब दे कौन दिल्ली सरकार में, हमारा सवाल ये भी है। अनुराग सिसोदिया जी ने गृहमंत्री को एक चिट्ठी भी लिखी है, उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार तो खिलाफ है, केंद्र सरकार भी कह रही है वो भी खिलाफ है, तो किसके इशारे पर दिल्ली के अधिकारियों ने मीटिंग की, जबकि न मुख्यमंत्री को बताया गया न उप मुख्यमंत्री को बताया गया? मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी को अपनी बैठक बुला के पूछना भी चाहिए कि आखिरकार ये चिट्ठी क्यों लिखी गई, दिल्ली के किसी अधिकारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के कहने पे चिट्ठी लिखी होगी, कैसे लिखी होगी जी? अमानतुल्ला खान क्या अपने आप अनाज पानी राशन बांटता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के कहने पे, अरविंद केजरीवाल जी के कहने पे रोहिंग्या घुसपैठियों को बांटते हैं, उनको स्थायी करने की बात करते हैं? मैं तो नहीं कहता, वो कहते हैं, कहते कि नहीं कहते? आप सबके सामने कहते हैं, दिखाइए उनका वीडियो, दिखाइए कैसे सामान बांटते हैं रोहिंग्या घुसपैठियों को, अरविंद केजरीवाल जी की शह पर उनके विधायक सामान बांटते हैं। देखिए सर, एक और आरोप लगाया अनुराग जी, उन्होंने सिसोदिया जी ने, वो हरदीप पुरी जी के ट्वीट का हवाला देते हुए कहा कि ये तो एक तरफ वेलकम कर रहे हैं और सब इनके केंद्र सरकार। मैं बड़ा स्पष्ट कर देता हूं एक बात को, गृह मंत्रालय ने बड़ा स्पष्ट करके कहा है कि रोहिंग्या घुसपैठियों को जो पहले की स्थिति थी वैसे ही, उनको ना यहां का नागरिक माना जाएगा, उनको वापस भेजा जाएगा। विदेश मंत्रालय के साथ बातचीत करके लगातार काम जारी है। और एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, सदन में भी कहा, बाहर भी कहा है,
और जो गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, आखिरी स्टेटमेंट वही है। अरे जिस चीज की जांच होती है, सत्येंद्र जैन जी जो घोटाला करके करोड़ों रुपए खाने के बाद आज जेल में है, उस पर तो अरविंद केजरीवाल जी उनको बाहर नहीं निकाल पाए, अगली जांच क्या मांगते हैं। जो शराब नीति में घोटाला करने के बाद 144 करोड़ रुपए का घोटाला करके आज भी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बने, उनके बाकी मुख्यमंत्री वहां पे बने हुए हैं, इनकी सरकार को जांच का कहां फर्क पड़ता है जी। अनुराग जी, नाउ द लेटर वे विच यू आर साइटिंग, इन दिस लेटर द लास्ट लाइन सेज व्हाट आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट इज सेइंग दैट इन दिस लेटर एफआरआरओ व्हिच कम्स अंडर एमएचए सेज दे रिक्वेस्टेड आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट टू प्रोवाइड देम शेल्टर ऑन दोस फ्लैट एंड देयरफॉर दे हैड रिटन दिस लेटर। आज तक शेल्टर क्या मिलता है, क्या शेल्टर मिलता है, क्या अरविंद केजरीवाल जी हिम्मत है अरविंद केजरीवाल जी तो आकर बताइए, आज तक रोहिंग्या घुसपैठियों को क्या शेल्टर मिलता था, कैसे रहते थे वो, किन इलाकों में रहते थे। गृह मंत्रालय ने बार बार कहा वही दो स्थानों पर उनको रिटेंशन करनी है, वहीं पर उनको रखना है, उससे बाहर नहीं करना है, उनकी घुसपैठियों को वहीं पर रखने की इजाजत वहीं तक ही थी। क्यों अरविंद केजरीवाल जी इतने दयालु हुए कि जो टेंट में रहते हैं उनको फ्लैट देने का काम अरविंद केजरीवाल जी रोहिंग्या घुसपैठियों को करने की बात कर रहे हैं, लिख के दे रहे हैं उनके अधिकारी, तो ये कहां किसने लिख के दिया था कि उनको फ्लैट देने। अगर वो तंबू में पहले रहते थे तो क्या उनको फ्लैट देने का काम किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी इतने दयालु रोहिंग्या घुसपैठियों पर क्यों, क्या जवाब देंगे। हम जब सत्ता में नहीं थे तब भी और आज जब सत्ता में है तब भी एक ही नीति है, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सुरक्षा प्रथम, राष्ट्र की सुरक्षा को हम सबसे आगे लेकर चलते हैं, इंडिया फर्स्ट की नीति को लेकर चलते हैं। लेकिन कुछ लोग जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी जैसी लोक सरकार बनाते हैं उनके लिए रोहिंग्या घुसपैठिए प्राथमिकता हो जाती है, हमारे लिए राष्ट्र सुरक्षा आज भी प्राथमिकता है, आगे भी प्राथमिकता रहेगी। जब मैंने राष्ट्रीय सुरक्षा की अभी बात कही तो मैं एक बात आपको और स्पष्ट कर दूं, चाहे घुसपैठियों की बात हो या बाकी बात हो, आतंकवाद की बात हो, हम कड़ी कार्रवाई भी करते हैं। जब YouTube के माध्यम से या वेब पोर्टल्स के माध्यम से कोई देश के लोगों में भय भ्रम फैलाने का काम करता है और देश को बांटने का प्रयास करता है, इससे भी देश की सुरक्षा को खतरा होता है, तो सूचना प्रसारण मंत्रालय से हमने पिछले चार महीनों में लगातार कार्रवाई करते हुए 102 से ज्यादा ऐसे YouTube चैनल्स को और बाकी पोर्टल्स पर रोक भी लगाई है जिनके लाखों से नहीं करोड़ों लोग उनको देखते हैं, यानी कि वो गलत जानकारी देते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं, भय भ्रम फैलाते हैं। हमने 8 चैनल्स पर रोक लगाई है और आगे भी लगाएंगे जो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा, इस पे कोई भी समझौता नहीं होगा। धन्यवाद।